Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि सर्दियों में आप सभी के काफी ज्यादा काम हो सकता है, काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तो सर्दियों में हमें एक ऐसे फूड के बारे में बताने वाला हूँ आपको जो आपको सर्दी में आपकी हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, आपकी इम्यून को अच्छा रख सकता है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट भी काम करेगा, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम कर सकता है। इसके साथ साथ आपके स्किन को, आपके हर्ट को, सभी चीज़ों को वो सुरक्षित रख सकता है, सभी चीज़ों को वो हेल्दी बना सकता है। तो वो चीज़ क्या है? वो है तिल, यानी कि सेसमी सीड्स। आज हम बात करेंगे तिल के बारे में कि तिल के फायदे क्या हैं, किस तरीके से हम तिल को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से खा करके, यानी कि हम तिल को अपने डेली रूटीन में शामिल करके, अपने फूड में शामिल करके हम उसके फायदे ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं तिल के बारे में। तिल को नॉर्मली हम सभी लोगों ने अपने घरों में यूज किया है, बट आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि तिल का जो नाम होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेसमी सीड्स। और तिल को आपने देखा होगा, ब्लैक कलर में भी देखा होगा, यानी कि काले कलर में देखा होगा, और व्हाइट कलर में, यानी कि सफ़ेद कलर में भी देखा होगा। बट क्या आपको पता है कि जो सफ़ेद और काला तिल है इसमें अंतर क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वाइट तिल, यानी कि जो सफ़ेद तिल है, अक्सर उसको हम नॉर्मल फूड्स में डालते हैं, जैसे कि कुकीज़ में डाल सकते हैं हम, या नॉर्मली अगर हम कुछ भी खाते हैं उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल सकते हैं, और एक लड्डू भी हम नॉर्मली बना सकते हैं। बट जो ब्लैक तिल, यानी कि जो काला तिल होता है, उसको मेडिसिन पर्पस पे काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है, औषधि बनाने में। मेडिसिन चाहे वो किसी भी पैथीज में हो, आपको नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्लैक सीड्स, काले तिल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि काले तिल हम किस तरीके से फ़ायदे दे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इम्यूनिटी। काले तिल में काफ़ी हद मात्रा में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप कर सकता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ सकती है। और आजकल जो इतनी सारी डिजीज आ गई है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो डेंगू हो, जितने भी वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, उन सब से हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो आता है हेयर फॉल। हेयर फॉल एक आम प्रॉब्लम है और हम सभी को कभी ना कभी हेयर फॉल, यानी कि बाल झड़ने की समस्या होती रहती है, चाहे वो हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी हो, या फिर मौसम, या फिर डैंड्रफ भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर हम तिल का सेवन रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो इससे हमें विटामिन्स और आयरन दोनों अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जिससे हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट की हम बात करें तो आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ चाहे वो आपका टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, ऐसा बोला जाता है कि जब भी डायबिटीज़ होती है तो हमारी जो इंसुलिन है बॉडी में, जो हमारे पेनक्रियास से निकलता है, वो प्रॉपर मात्रा में निकल नहीं पाता, और जिससे हमारी पूरी जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट अगर आप तिल का सेवन रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की जो मात्रा सिक्रेशन होती है, यानी कि इंसुलिन जो निकलता है, उसकी मात्रा भी बढ़ सकती है, और जो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको हम धीरे धीरे डिक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो आती है बोन स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमारी बॉडी में जो मसल्स है या हड्डियां जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, उसमें स्ट्रेंथ देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके तिल में कैल्शियम, प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन्स मौजूद रहते हैं जो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ हैं उनको मजबूत करने का काम करती हैं। अगले और लास्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो आता है हार्ट, यानी कि दिल। हमारे दिल की जो जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर से लेकर के आपका आपका दिल का जो दौरा पड़ता है, या हम हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, उसका जो मेन कॉज होता है वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है तो हमें ये सभी प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है। तो जो तिल का अगर आप सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो जो भी जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल हैं वो हमारी बॉडी से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और हमें दिल की जो समस्या, यानी कि हार्ट की जो समस्या होती है, उससे हम बच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इन तिलों का कैसे सेवन कर सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहला, नॉर्मली आप किसी भी फूड में ले सकते हैं, ब्रेड में ले सकते हैं, कुकीज़ में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूध में गर्म करके या उबाल करके ले सकते हैं,
जब भी आप दूध पिए तो उसमें थोड़ा सा मात्रा में तिल डाल दें, उसको इजीली आप यूज कर सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमनली जो टाइप है तिल को लेने का, तिल को खाने का, वो होता है लड्डू। अगर हम तिल का लड्डू बना लें और रेगुलर बेसिस पर डेली अगर हम सर्दी में एक भी लड्डू खाते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी अलग फ़ायदा हो सकता है। और मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई ये तो सिर्फ पांच ही, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पे तिल के एक लड्डू खाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। एक छोटी सी वीडियो जहाँ पर हमने बात की तिल के टाइप्स के और तिल से जो मेन जो मेजर जो प्रॉब्लम्स होती है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।